हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विथ न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। अलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए आरओ एआरओ की जो इंग्लिश की क्लास है वो हम यहाँ पर कर रहे हैं और इसमें जो है हम ईडियम एंड फ्रेजेस कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और अगर अभी तक आपने ये क्लास नहीं देखी है जो पिछली क्लास हुई है, तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको उनका लिंक मिल जाएगा या फिर आप प्लेलिस्ट से भी जाकर देख सकते हैं। चलिए, पहला है रैंक एंड फाइल। तो रैंक एंड फाइल का मतलब है किसी संस्था के सामान्य सदस्य जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं, रैंक एंड फाइल। तो द जनरल बॉडी ऑफ एनी पार्टी, जनरल बॉडी ऑफ एनी पार्टी, सोसाइटी और ऑर्गेनाइजेशन अपार्ट फ्रॉम ऑफिसर्स और लीडर्स। ठीक है, नेक्स्ट अ रफ गैलरी। तो रगेस गैलरी का मतलब है अपराधी व्यक्तियों की तस्वीरों का संग्रह, कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ्स ऑफ नोन क्रिमिनल। आप जाते होंगे, देखते होंगे पुलिस स्टेशन वगैरह में, तो बढ़िया सी तस्वीर एक सजा के रखी हुई रहती है, एक नहीं काफ़ी सारी रहती हैं क्रिमिनल्स की, तो उन्हें बोलते हैं रगेस गैलरी। ठीक है, नेक्स्ट स्क्रैप थ्रू। स्क्रैप थ्रू का मतलब है कठिनाई से काम चलाना, मैनेज टू एस्केप, बच बच के काम चलाना कि चलो आज इसको छोड़ देते हैं, आज इतना कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रीड बिटवीन द लाइंस, लाइन के बीच में पढ़ना, इसका मतलब है छिपा रहस्य जानना। आप कोई किताब पढ़ रहे हैं लेकिन जैसे कि आप एग्जाम्पल में द हिंदू का एडिटोरियल देखिए, उसमें लिखा कुछ और रहता है लेकिन उसके पीछे कुछ और कहा जाता है, तो वही होता है कि छिपा रहस्य जानना। जैसे कि आप इन ईडियम्स में भी छिपा रहस्य ही जानते हैं कि इसमें लाइन कुछ और लिखी रहती है लेकिन उसका मीनिंग कुछ और होता है ना। तो रीड बिटवीन द लाइंस का मतलब है छिपा रहस्य जानना, टू फाइंड अ कंसील्ड मीनिंग। नेक्स्ट रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस, इसका मतलब है उत्तरदायित्वहीन होना, अ रेस्टलेस वंडर रिमेन्स पुअर। ठीक है, उत्तरदायित्वहीन होना, रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस। नेक्स्ट सेंड समवन टू कोवेंट्री, तो सेंड समवन टू कोवेंट्री का मतलब है किसी से बोलना बंद कर देना, तो टू रिफ्यूज़ टू स्पीक टू समवन एज अ पनिशमेंट। मान लीजिए आप देखते होंगे कि क्या होता है, कि समझ गए होंगे किसकी बात की जा रही है यहाँ पे, तो जब कुछ ऐसा लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो फिर आप क्या बोलते हैं, बात नहीं करेंगे, है ना। फिर भले ही आप दो दिन बाद तीन दिन बाद करना चालू कर दें लेकिन क्या होता है कि आप बोलते हैं बात नहीं करेंगे, तो पनिशमेंट के तौर पर या गुस्सा होकर कह सकते हैं कि आप बात करना बंद कर देते हैं। ठीक है, तो सेंड समवन टू कोवेंट्री, ठीक है, किसी से बोलना बंद करना, परमानेंटली नहीं, सिर्फ पनिशमेंट के तौर पर, एक दो दिन चलता है ना। चलिए, नेक्स्ट रेस्ट ऑन वंस लॉरेल्स, इसका मतलब है उपलब्ध सफलता पर ही संतोष करके बैठ जाना, मतलब कि जो आपको मिल गया उसमें आप खुश हो गए, बस चलिए आगे कुछ नहीं, तो उसको बोलते हैं रेस्ट ऑन वंस लॉरेल्स, टू एंजॉय वंस सक्सेस एंड नॉट अटेम्प्ट टू अचीव मोर। मान लीजिए अभी आप सोच रहे हैं कि आप आईएएस की तैयारी करेंगे, एक बार कोई नौकरी लग जाए छोटी मोटी, फिर आपका सिलेक्शन हो जाता है किसी में भी, मान लीजिए आप हाई कोर्ट में ही समीक्षा अधिकारी बन गए, फिर आप सोच रहे हैं ठीक तो है 60,000 रुपये मिल रहा है, बढ़िया आराम की नौकरी है, क्या आईएएस के लिए आप पढ़ें और ये करें, कौन इतनी मेहनत, चलो बहुत है ये, तो आप क्या हो गए, रेस्ट ऑन वंस लॉरेल्स, आपको एक बार सम्मान मिल गया, आपने सक्सेस पा ली, तो अब आप सोच रहे हैं चलिए बाकी हटाइए, लेकिन जिनके अंदर जुनून होता है वो लोग लगे रहते हैं। ठीक है, तो समझ गए होंगे इस ईडियम का मतलब। अगला है स्केप गोट। स्केप गोट का मतलब है बलि का बकरा, अ पर्सन हु इज़ मेड टू बियर द फॉल्ट ऑफ अदर्स, गलती कोई और करे, भरे कोई और, उसी को बोलते हैं स्केप गोट, कोई और फंस जाए। नेक्स्ट सेट द थीम्स ऑन फायर, तो सेट द थीम्स ऑन फायर का मतलब है कुछ महत्वपूर्ण करना, टू डू समथिंग रिमार्केबल। नेक्स्ट ओवर एंड अबव, इसका मतलब है कि अतिरिक्त, इन एडिशन या बिसाइड, ओवर एंड अबव। नेक्स्ट पास अवे, पास अवे मतलब आप जानते ही हैं टू डाई, मर जाना। नेक्स्ट प्राइमा फेसी, इसका मतलब है प्रथम दृष्टया या प्रथम दृष्टि में, आप हाई कोर्ट के निर्णय वगैरह में देखते होंगे उसमें लिखा रहता है कि प्रथम दृष्टया में ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आता है, है ना, तो आपकी जो प्ली है उसको रिजेक्ट किया जाता है, मतलब कि पहली नज़र में देखने में ऐसा कोई संदेह नहीं हो रहा है, इसलिए आपकी जो प्ली है, याचिका है, उसको खारिज किया जा रहा है, अगर ऐसा कुछ होता तो निश्चित तौर पर उस पर सुनवाई वगैरह होती। ठीक है, तो एट फर्स्ट व्यू एंड अपियरेंस। नेक्स्ट ओवर द हिल्स, इसका मतलब है जब सर्वश्रेष्ठ काल की बीत चुका हो, जब सर्वश्रेष्ठ काल बीत चुका हो, ठीक है, बूढ़ा हो चुका हो, उसको बोलते हैं ओवर द हिल, ओवर एज हो, नॉट इन अ पोजिशन टू डू नॉर्मल वर्क, सामान्य काम करने में अब सक्षम ना हो, तो उसको बोलते हैं ओवर द हिल। नेक्स्ट
बाय अ पिग इन अ पोक, तो बाय अ पिग इन अ पोक का मतलब है बिना जांचे परखे खरीदना, तो बाय समथिंग विदाउट प्रॉपर इंस्पेक्शन, मतलब आप खरीदने गए, आपने सोचा अरे ये चीज़ तो बहुत अच्छी दिख रही और आप उठा लाए, बाद में देखे अरे ये तो पहनने में अच्छी नहीं है, अरे इसमें कपड़ा भी अच्छा नहीं है, फिटिंग भी सही नहीं है, मतलब क्या है बिना जांचे परखे और आप उठा लाए, आपने सोचा कि ये तो बड़े से मॉल से लाए तो बहुत अच्छी होगी और देखने में अच्छी लग रही, बस समझ गए। नेक्स्ट अक्वायर फिश, अक्वायर फिश का मतलब है विचित्र प्रकृति वाला, अ पर्सन विद ऑड हैबिट्स एंड अनप्रिडिक्टेबल नेचर, जिसका नेचर आप प्रिडिक्ट ना कर पाएं या उसकी हैबिट जो है कैसी ऑड हो, तो उसको बोलते हैं क्वेर फिश। नेक्स्ट पेंट द टाउन रेड, पेंट द टाउन रेड का मतलब है बहुत खुशी जाहिर करना, आप इतने खुश हो गए कि आपने पूरे शहर को रंगवा दिया, ठीक है, तो टू ब्रेक आउट इन बॉयस्टरस स्प्रे, टू बी वेरी हैप्पी एंड सो इट, दिखाने के लिए कि हाँ हम बहुत खुश हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्ले सेकंड फिडल, प्ले सेकंड फिडल, फिडल का मतलब है पीछे पीछे होना, टू टेक सबऑर्डिनेट पार्ट, किसी चीज़ के क्या होना पीछे पीछे होना, ठीक है, आप कोई आगे आगे हैं और आप उसके पीछे पीछे हैं, उसको बोलते हैं पीछे पीछे होना, यानी कि प्ले सेकंड फिडल। नेक्स्ट रेन कैट्स एंड डॉग्स, ये ARO 2018 वाले पेपर में पूछा गया था, इसका मतलब है टू रेन वेरी हार्ड, मूसलाधार बरसात होना, इतनी तेज बरसात हो रही कि कुत्ते और बिल्लियाँ बहे जा रहे हैं, ठीक है, ऐसे समझिए कि बहे जा रहे हैं कुत्ते बिल्लियाँ, इतनी तेज़ बारिश हो रही है, इसका मतलब है मूसलाधार बारिश। नेक्स्ट ऑन द ट्रॉट, इसका मतलब है एट अ स्ट्रेच ऑन आफ्टर द अदर, एक के बाद एक कोई चीज़ होती है उसको बोलते हैं ऑन द ट्रॉट। नेक्स्ट वंस ब्रेड एंड बटर, किसी एक का जो क्या हो ब्रेड हो बटर हो, मतलब किसी की रोजी रोटी है वो चीज़, तो वंस मीन्स ऑफ लिवलीहुड रेदर देन एन एंगेजमेंट फॉर मीर, मोर होगा यहाँ पर मोर इन्जॉयमेंट, ठीक है, क्या है वो कोई इन्जॉयमेंट के लिए नहीं है बल्कि वो उसकी क्या है रोजी रोटी है, ठीक। नेक्स्ट आउट ऑफ सॉर्ट्स, इसका मतलब है तबीयत ठीक ना होना, आउट ऑफ सॉर्ट्स का मतलब नॉट वेल, इन बैड ह्यूमर। नेक्स्ट ऑन द वर्ज, इसका मतलब है तट पर होना या निकट होना, तो वेरी नियर टू द मोमेंट व्हेन समबडी डज समथिंग, कोई कुछ कर रहा हो तो उसके बिल्कुल पास में होना, तो ऑन द वर्ज ऑफ। नेक्स्ट एन ओपन बुक, खुली किताब है, तो इसका मतलब जो आसानी से समझा जा सके, समथिंग विच कैन बी इजली अंडरस्टूड, तो आप देखते ही होंगे आप कुछ बता रहे हैं तो पूछते हैं अरे वो चीज़ तो बिल्कुल एकदम खुली किताब है, मतलब सबको पता है, सब कुछ समझ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आउट ऑफ टेम्पर है, इसका मतलब परेशान होना, एनॉयड। नेक्स्ट ऑन द होल, ऑन द होल का मतलब है कुल मिलाकर, पूरा पूरा, कीपिंग ऑल थिंग्स इन इन व्यू। नेक्स्ट ओपन पेंडोराज बॉक्स, ओपन पेंडोराज बॉक्स का मतलब है अनदेखी मुसीबतें प्रकट होना, कि अभी तो पता ही नहीं था, एक के बाद एक मुसीबत आती चली जा रही है। टू डाइवल्ज चेन ऑफ अनफॉरसीन प्रॉब्लम्स, ऐसी समस्याएं जो अभी तक आपने देखी नहीं थी और फिर आ जा रही हैं बार बार, एक के बाद एक आ रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट आउट ऑफ द वुड्स, इसका मतलब है कठिनाइयों से मुक्त हो जाना, आउट ऑफ द वुड्स। पास्ट अ क्रिटिकल फेज इन वंस इलनेस और एनी अदर अनप्लेजेंट सिचुएशन, तो वो पास हो जाए आपका, निकल जाए, तो उसको क्या बोलते हैं आउट ऑफ द वुड्स, मतलब कठिनाइयों से मुक्त हो गए। नेक्स्ट डू समबडी इन, इसका मतलब है टू किल या मार देना, तो डू समबडी इन का मतलब है मार देना। नेक्स्ट ड्रीम अप, ड्रीम अप का मतलब किसी वाहन का रुकना, कम टू अ स्टॉप, रुकता है तो वो क्या हो गया ड्रीम अप। नेक्स्ट ऑन द नेल, इसका मतलब है तत्काल या शीघ्र, तो ऑन द स्पॉट इमीडिएटली, तुरंत हो, ऑन द नेल, ठीक है। नेक्स्ट डू समथिंग अप, इसका मतलब है व्यवस्थित करना, मरम्मत करना, ठीक है, और यहाँ पर क्या दिया था डू समथिंग इन, इसका मतलब है किसी को मार देना, ठीक है, तो डू समथिंग अप मतलब व्यवस्थित करना, मरम्मत करना, रिपेयर करना, रिनोवेट करना। नेक्स्ट ड्रेस समबडी डाउन, इसका मतलब है कठोरता से बर्ताव करना, तो क्रिटिसाइज समबडी एंग्रीली, ड्रेस समबडी डाउन। नेक्स्ट ऑन एंड ऑन, इसका मतलब है अनवरत रूप से, लगातार चलता रहे, विदाउट स्टॉपिंग, कंटिन्यूसली हो कोई चीज़, ठीक है, ऑन एंड ऑन है, ठीक है। नेक्स्ट ड्रैग ऑन, इसका मतलब है सुस्त ढंग से चलना या प्रोग्रेस वेरी स्लोली, बहुत धीमी गति से कुछ चीज़ हो रही है तो क्या हो रहा है ड्रैग, धीरे धीरे घसीटते हुए हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट ऑन द ईव ऑफ, इसका मतलब है पूर्व संध्या में, अ लिटिल प्रायर टू द ओकेशन, ठीक है, किसी उस चीज़ के पहले जो चीज़ हो, मतलब वो पूर्व संध्या हो रही है उसके, ऑन द ईव। नेक्स्ट ऑन द टिप ऑफ वंस टंग, तो कोई चीज़ क्या है ऑन द टिप ऑफ वंस टंग में है, मतलब बस जुबान पे ही रखा हुआ है वो उसकी चीज़, तो अबाउट टू बी अटर्ड,
मतलब कि सारी चीज़ें उसको लर्न है, ये कह सकते हैं कि जुबान पे है। तो ऑन द टिप ऑफ वंस टंग, सारी चीज़ें जुबान पे हैं। ठीक, तो ये थी आज की क्लास, थैंक यू, मिलते हैं कल नई क्लास के साथ।